तुमको हम गीता पढ़ा दिया तेरे दिमाग में कुछ घुसा? खाली धनुमान झुकझुक रहता है। हाँ, गुस्सा बता दो। बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन आप अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या करो बेटा, दब जाएगी, मर जाएंगे हम, चलिए गोली तो। बेटा ये क्या करो बेटा, हम तुम्हारे बाप है बेटा, छोड़ दो बेटा, बेटा हटा लो, बेटा हटा लो, हटा लो। पिताजी, ना कोई किसी का बाप है और ना ही कोई किसी का बेटा, ये गीता में लिखा हुआ है। मैं मर जाऊंगा पिताजी, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है, आत्मा अजर है और अमर है। बेटा मजाक मत करो, गोली चल जाएगी, मैं कल को मर जाऊंगा बेटा। रिवॉल्वर हटाओ, रिवॉल्वर हटाओ बेटा। जी आप बिना व्यर्थ की क्यों चिंता कर रहे हो, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है, ऐसा गीता में लिखा हुआ है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। ऐसा गीता में लिखा है कि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। जी इसका मतलब हुआ कि आत्मा को ना ही कोई चोट चुरा सकता है, ना पानी डुबा के मार सकता है, ना आग जला के मार सकता है, ना तलवार काट के मार सकता है, आत्मा अमर है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए आप मरने के लिए तैयार हो जाएं। अपनी बहन भाइयों के लिए सोच, अपने माता के लिए सोच। पिताजी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। बेटा अपनी भाई बहन के बारे में सोच और माता के बारे में सोच। संसार के सारे रिश्ते स्वार्थों पर टिके हैं, ऐसा गीता में लिखा हुआ है पिताजी। गीता पढ़ने दिए थे कि बाप को मारने के लिए? नहीं, ऐसा लिखा है, हम गीता से सीखे। कुछ को मारने से तुमको क्या मिलेगा पिताजी? इस धर्म युद्ध में अगर आप मर जाते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और मुझे आपकी संपत्ति की प्राप्ति होगी। संपत्ति वास्ते हमको मार जाता है बेवकूफ, पर क्या तुम संपत्ति हासिल करने के लिए सीखा? तुमको हम गीता पढ़ने के लिए बताए, हम तो कहीं कहीं से मतलब अच्छा लगता है, यहाँ मारो गोली, यहाँ यहाँ मुझे मार दो, हम मारते हैं। बेटा ऐसा जुर्म नहीं करो बेटा, चिंता ना करें। जिस प्रकार एक आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाती है, अगर हम आपको मारेंगे तो आपकी आत्मा भी आपके पुराने शरीर को छोड़ के किसी नए शरीर में चली जाएगी। आप चिंता ना करें, अब हम गीता के नियम का पालन कर रहे हैं। बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं।